है, मैं सजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड बराबर वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। तो अब बहुत सारे बच्चे झारखंड में वेट कर रहे थे कि सर झारखंड के पॉलिटेक्निक 2018 का सेकंड काउंसलिंग कब होगा, तो उसकी डेट आ गई है और साइट पर भी कल लोड हो गया। तो चूंकि मॉर्निंग में ही मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया था, तो पहले तो मैं उसे थैंक्स कहूंगा और उसके साथ ही मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं कि सेकंड काउंसलिंग में आपका कब से है और क्या क्या सीटें आपको कब मिल सकती है, आइए मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले डेट के बारे में बता दूं कि 29 तारीख से यह काउंसलिंग स्टार्ट है और 2 अगस्त तक चलेगा, मतलब 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक काउंसलिंग का डेट है। और मैं बता दूं कि 29 को 1 से 1000 बच्चों को बुलाया गया है। फर्स्ट सिटिंग में जैसा आप देख रहे हो कि 1 से 500 और सेकेंड में 500 से 1000 बच्चों को बुलाया गया है। उसी तरह से 30 जुलाई को आप देख रहे हो 1 से 3000 बच्चों को बुलाया गया है, फर्स्ट में 1 से 2000 और 2000 से 3000। 31 जुलाई को 3000 से 9000 बच्चों को बुलाया गया है, फर्स्ट में 3000 से 6000 और 6000 1 से 9000। उसी तरह से 1 अगस्त को आप देख रहे हो 9000 से 19000 बच्चों को बुलाया गया है, जहां फर्स्ट में 9000 से 14000 और उसके बाद 14000 1 से 19000 बच्चों को बुलाया गया है। एंड लास्ट 2 अगस्त को 19000 से 43740 बच्चों को बुलाया गया है। तो ये है टोटल बच्चों का काउंसलिंग का लिस्ट जो आप साइट पे भी देख सकते हो। और अब मैं बात करूंगा कि और उसके नीचे BCCL के 10 सीट भागा माइनिंग में रिजर्व कोटा में रहते हैं, तो उसके लिए जो लोग अप्लाई किए थे उनका रोल नंबर आप साइट पे जाकर देखना होगा, क्योंकि काफी रोल नंबर था तो आप रोल नंबर देख लोगे। उन रोल नंबर के बच्चों को भी काउंसलिंग में बुलाया गया है, तो उनके जो काउंसलिंग में बुलाया गया है तो वहां जाकर आप 10 सीट के लिए फाइट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई साइट की, साइट में जो डिटेल दिया गया है आप उसको देख ही लोगे। चूंकि अब इसका चार्ट, चूंकि कौन कौन सी सीट खाली रह गई है ये चार्ट तो भी आया नहीं, तो पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कौन से बच्चे सेकंड काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था मेरे सब्सक्राइबर्स में कंटिन्यू कि सर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूं और मैं चाहता हूं कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो एडमिशन लिया था उसे चेंज कर सेकंड काउंसलिंग में कोई दूसरा कॉलेज या नहीं तो फिर कोई दूसरा ब्रांच लेना चाहता हूं। तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से सेकंड काउंसलिंग में जा सकते हो। आपको फर्स्ट काउंसलिंग में जो एडमिशन कराए हो आप उस कॉलेज में, तो अगर आप एडमिशन करा चुके थे तो आपको एक रसीद मिली होगी कॉलेज से, जो आपका ओरिजिनल रसीद है उसे लेकर आपको जाना होगा सेकंड काउंसलिंग में। और आप जो भी कॉलेज खाली पड़ा होगा आप उसको ले सकते हो, और उस समय जो सीट खाली होगी जो कॉलेज में आप उसको लेकर आसानी से चेंज करा सकते हो। और जो चूंकि डॉक्यूमेंट की बात है कि सर मेरा तो सारा डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में जमा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही आपको नए कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कराओगे, उस सारे सर्टिफिकेट आपके उस कॉलेज में जाकर जमा हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसे बच्चे जो फर्स्ट काउंसलिंग में गए थे, सीट मिल गया था लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, वो बच्चे भी दोबारा जाकर और अपना अलॉटमेंट लेटर दिखाकर और बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर और जाना होगा, और आप फिर से जाकर सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट ले सकते हो। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट काउंसलिंग में गए ही नहीं थे तो उन्हें भी अपने सारे पेपर्स लेकर जाने होंगे। तो चूंकि फर्स्ट काउंसलिंग में मैंने बताया था आपको कौन कौन से पेपर लेकर जाने हैं, इस बार भी आपको वही सब टोटल पेपर लेकर जाना होगा और जाकर काउंसलिंग अटेंड करना होगा। और पेमेंट मोड में मैंने 1000 का जो बताया था आपको कि आप उसको डीडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो या आप एटीएम कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, तो ये सब प्रोसेस सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा लार्ज करना नहीं चाहता और मेन टॉपिक पर आ जाएं कि सर कौन कौन सी सीटें खाली हैं, कुछ आइडिया होनी चाहिए। तो भाई अभी सीट मैट्रिक्स तो आया नहीं है, सीट मैट्रिक्स लाइव सीट मैट्रिक्स आने के बाद तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा, लेकिन मैं आपको एक बता सकता हूं कि जो बच्चे 1 से 500 रेंज के बीच हैं, उनमें से आप अगर माइनिंग लेना चाहते हो तो भाई एक सीट माइनिंग का खाली है, वो मैं जानता हूं क्योंकि मेरे सेंटर में ऑलरेडी जिस बच्चे का टॉप हमारे इंस्टीट्यूट में 42 रेंज था, उनका चूंकि दोनों रिजल्ट आ चुका था, चूंकि पॉलिटेक्निक में उनका रिजल्ट आया था, काउंसलिंग में उन्होंने एडमिशन भी ले लिया, लेकिन लेटरल एंट्री में हुए उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा और उन्होंने लेटरल से एडमिशन ले लिए वो पॉलिटेक्निक भागा माइनिंग में ही। तो इसका मतलब उनका पहला सीट जो एडमिशन वो लिए थे पॉलिटेक्निक का फर्स्ट काउंसलिंग में भागा का, वो सीट आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। तो 1 से 500 रैंक के बीच कोई बच्चा अगर गलती से छूट गए हो और उन्हें भागा माइनिंग लेने का मन है तो आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए एक सीट खाली पड़ा हुआ है। बाकी सीट आने के बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा
कि अब जो सीटें खाली रह रही है उनमें से कौन से कॉलेज बेस्ट है, कहां प्लेसमेंट होता है, कहां नहीं होता, और कौन सा ट्रेड अभी आने वाले फ्यूचर के लिए ज्यादा बेस्ट होगा। तो ये सारे चीज लगातार मेरे वीडियो में आप बने रहें, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि झारखंड के सेकंड काउंसलिंग का सारा डिटेल मैं जैसे ही चार्ट आ रही है मैं पूरा डिटेल आपको कॉलेज के डिटेल जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मैं लगभग 10-15 साल से सारे कॉलेजेस का कंटिन्यू रिपोर्ट रख रहा हूं। तो ये आइडिया मैं चाहता हूं कि आपके काम आ जाए। तो इसके साथ ही आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।